बिहार की नीतीश सरकार हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन अब नीतीश सरकार अपनी ही सहयोगी पार्टी के निशाने पर आ गई है। नीतीश कुमार के काम से नाखुश होकर पार्टी ने तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने की ही धमकी दे डाली। तो क्या है मामला और किसने दी धमकी, देखेंगे खास रिपोर्ट। बिहार के नीतीश सरकार के काम से कोई खुश नहीं है, यही कारण है कि विपक्ष तो अक्सर ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता नजर आता है, लेकिन अब तो आलम यह है कि एनडीए के घटक दलों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है। मांझी ने बीते दिन यानी मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। मांझी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर नीतीश ऐसा नहीं करेंगे तो वे गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। मांझी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनकी राजनीति की अंतिम पारी है, वो नहीं चाहते कि कोई अब जस लेकर जाए। उन्हें इस बात की संतुष्टि रहेगी कि वे जो करना चाहते थे उन्होंने किया। मांझी ने कहा कि अगर उन्हें पैसे मिल जाते हैं तो इसी वित्तीय वर्ष में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में काम पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा, मैं फिर मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दे, मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ, गठबंधन में हूँ, छोड़ भी देंगे। आपको बता दें कि मांझी पहले भी नीतीश कुमार को अपने बागी तेवर दिखा चुके हैं। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब एनडीए में दरार पड़ती दिख रही है। इससे पहले भी बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर भी खींचतान हुई थी। अब देखना होगा कि मांझी की धमकी का असर पड़ता है या नहीं, या फिर मांझी एनडीए से अलग हो जाएंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।